नमस्कार, पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको यूनिक तरह से आलू का पराठा बनाना बताऊंगी, जो कि हम बहुत पतला बेल के तैयार करेंगे, फिर भी बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसी के साथ खाने के लिए मैं आपको वेजिटेबल रायता बनाना बताऊंगी, जिसका कॉम्बिनेशन इस पराठे के साथ में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए रायता और पराठा बनाना शुरू करते हैं। स्पेशल आलू का पराठा बनाने के लिए हमने दो आलू लिए हैं, उसको साफ धो करके हमने 3 से 4 सीटी कुकर में डाल के बॉईल कर लिया है। ये उबले हुए आलू हैं, इसको हमने छील भी लिया है। अब इन आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे, महीन वाले कद्दूकस से करेंगे, जिसे एकदम से बहुत इसके महीन पीस हो जाएंगे। आलू को अच्छा बॉईल कर लेंगे, आराम से ये कद्दूकस हो जाएंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से मैश भी कर सकते हैं या मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े पीस नहीं रहने चाहिए, बड़े बड़े पीस रहेंगे तो पराठे अपने टूटने का डर रहेगा। इस तरह से हमने दोनों आलू को कद्दूकस कर लिया है। अभी इसे साइड में रख देंगे और एक पैन के अंदर हम 1 टेबल स्पून घी ले लेंगे। आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है। अभी इसमें हमने 5 या 6 कलियां लहसुन की ली है, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि पराठा बना रहे थे कद्दूकस करके डालेंगे तो पराठे के बाहर नहीं निकलेगा और फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आएगा। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लहसुन हमारा पक गया है। अभी इसमें हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरे को भी हम इसमें पका लेंगे। जीरे को हमने धीरे धीरे आंच में पका लिया है। और अभी इसमें 2 हरी मिर्ची ली है हमने काट के, वो भी छोटी छोटी काटी है एकदम। 5-6 कड़ी पत्ता लिया है, इसको भी हमने छोटा छोटा लच्छों में काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। हम इसमें अदरक नहीं डाल रहे हैं। आपको पराठे में अदरक खाना पसंद हो तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। अभी इसमें हम 1.5 कप पानी डाल देते हैं और आँच को तेज कर देते हैं। अभी इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं हो तो आप लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। पानी में उबाल आ गया है। अभी हमने 1 कप सूजी ली है, ये महीन वाली सूजी ली है हमने। आपके पास बड़ी सूजी है आप उसे मिक्सी के जार में डाल करके थोड़ा सा पीस लें तो महीन सूजी बन के तैयार हो जाएगी। पानी में भी उबाल आ गया है, थोड़े थोड़े करके इसमें सूजी डालेंगे और इस तरह से पकाते रहेंगे। आँच को हम स्लो और मीडियम के बीच में कर देंगे। सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे क्या घाटे नहीं पड़े सूजी के इसमें। इस समय इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गर्म गर्म पानी में सूजी अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। इसमें कोई तरह की घाटे वगैरह नहीं पड़ी है और सूजी देखिए अच्छे से पक के तैयार हो रही है। इस तरह से सूजी को आप पका करके तैयार कर लें। पैन में डालने के बाद में हमने इसको 30 सेकंड तक पकाया है और सूजी हमारी पक गई है। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। अभी सूजी को हम बॉल में निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। जब तक हमारी सूजी ठंडी हो रही है तब तक हम रायता बना करके तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 1 कप दही लिया है, इसे बॉल में डाल देते हैं और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। दही को फेंटना बहुत जरूरी है, दही के अंदर कोई तरह की घाटे नहीं रहनी चाहिए। और इसी के साथ आप दही लेते समय ध्यान रखें, आपका दही यदि पानी छूटा हुआ है तो आप कपड़े के अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए रख दें तो पानी उसका निकल जाएगा और फिर उस दही को यूज करके आप रायता बनाएंगे तो रायता आपका बहुत ही अच्छा बनेगा। इसी के साथ आप कभी भी रायते के लिए फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अभी इसके अंदर हम 1 कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो रायते के अंदर प्याज नहीं डालें। इसी के साथ हमने 1 खीरा लिया है, जिसको साफ धो करके छील लिया है और कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस किया हुआ रायते के अंदर डालते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ हमने 1 गाजर ली है, गाजर को भी साफ धो के छील लिया है और उसको कद्दूकस कर लिया है। इसको अच्छा महीन महीन कद्दूकस किया इस तरह से। इस तरह का कद्दूकस करके डालते हैं तो रायता और भी स्वादिष्ट बन के तैयार होता है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि काकड़ी के अंदर से और कांदा के अंदर से अगर पानी छूटता है तो ये रायता अच्छे से बनके तैयार हो जाता है। देखिए हमने पानी नहीं डाला, फिर भी इसके अंदर थोड़ा पानी पानी लगने लग गया। थोड़ी देर में इसके अंदर और भी ज्यादा पानी हो जाता है। अभी इसमें हम 2 पिंच के बराबर काला नमक डाल देते हैं। काला नमक का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ 2 पिंच जितना ही हम सादा नमक डाल देते हैं, जो कि रोज हम इस्तेमाल करते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इस रायते में हम 1 छोंक लगा देते हैं। रायते में छोंक लगाने के लिए हमने 1 बर्तन लिया है, जिसमें लगभग 1 चम्मच घी डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हमने घी डाला है। रायता हम घी में छोंक कर तैयार करेंगे। ज्यादातर हम जो भी दही की चीजें होती है वह घी में छोंक करके तैयार करते हैं। आप चाहे तो तेल में भी छोंक सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच राई डाल देते हैं। राई फटने लग गई है। अभी इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देते हैं। 1 हमने छोटी हरी मिर्ची को काटा है, वो भी इसमें डाल देते हैं। मिर्ची डालना ऑप्शनल है। यदि आप मिर्ची को खाना पसंद नहीं करते रायते में तो आप नहीं डालें। 5-6 कड़ी पत्ता हमने लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस बंद करने के बाद में 2 पिंच जितनी इसमें हम लाल मिर्ची डाल देते हैं। अभी इस छौंक को हम रायते के अंदर डाल देते हैं। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। ये रायता बहुत ही हेल्दी बनके तैयार होता है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है। देखिए रायता दिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है। इसमें सब्जियाँ भी आ गई है, दही भी हो गया है और पूरा न्यूट्रिशियस रायता बनके तैयार हो गया। तो ये पराठे के साथ में रायता बहुत ही अच्छा लगेगा। जब तक हमने रायता बनाया
तब तक हमारी सूजी भी ठंडी हो गई है, ये हल्की हल्की गर्म है। अभी इसको हम अच्छे से इस तरह से गूंद लेते हैं। इसको अच्छे तरह से जैसे आटा गूंद के तैयार करते हैं वैसे ही आप इसे गूंद लें। सूजी को इस तरह से गूंदने से इसके अंदर से ग्लूटेन रिलीज होता है, जिससे का बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। तो पराठे बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छे से इसको गूंद करके आप बनाएं और इसके पराठे स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं। आपने आटे से आलू के पराठे बना के खाए होंगे, इसके पराठे जैसे आप बना के खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। थोड़ा इसका अलग टेस्ट आता है और खाने में स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं। इसलिए कभी कभी एज ए चेंज अलग अलग तरह से पराठे बना के खाते रहना चाहिए। इस तरह से हमने 2 मिनट तक इसको अच्छे से गूंद लिया है। अभी जो आलू हमने कद्दूकस करके रखा था वो इसमें मिक्स कर देते हैं और आलू को भी इस तरह से इसके अंदर मसल मसल के मिक्स कर लेंगे। ऐसे पराठे बनाते हैं, पराठे काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं, और इसको अच्छे से एक बार गूंद लेते हैं। देखिए डो बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया और काफ़ी सॉफ्ट बनके तैयार हुआ। यहाँ पर हमने पानी बराबर रेशियो में डाला था, इसलिए आटा हमारा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। यदि आटा आपका थोड़ा गीला रह जाता है इस समय, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल सकते हैं। गेहूं का आटा डाल के उसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। आटा इस तरह से बनके तैयार हो जाना चाहिए। ये ज़्यादा हार्ड भी आटा नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। इसका पराठा हम आराम से बेल सकते हैं। अभी इसमें हम थोड़े से हरे धनिया ऐड कर देते हैं। हरे धनिया को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पराठा को बेलने के लिए हम एक लोई तोड़ लेंगे और थोड़ा सा आटे में इस तरह से हाथ लगा के फिर लोई तोड़ें, जिससे आराम से टूट जाएगा। हाथ भी आपके कमजोर नहीं होगा। जितना बड़ा आपको पराठा बनाना उस हिसाब से आप लोई तोड़ के तैयार करें। तो थोड़ा सा इसमें हम आटा लगा देंगे और ये लोई अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। आटा आपको काफ़ी सॉफ्ट लग रहा होगा, पर क्या जितना सॉफ्ट आटा होगा पराठे आपके बहुत ही पोले बन के तैयार होंगे। अब इसको साइड में रख देते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर आटा लगा देते हैं। थोड़ा सा हमारे को आटा लगाना है इसके ऊपर बस, और इसको बेल लेंगे। ये आराम से बेल पाएंगे इस तरह से। देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है पराठा। अभी हमने पूरा पराठा बेल लिया है। अभी आप जितने भी पराठे बनाना हो, आपको एक ही साइज़ के बनाने हो, तो आप इसके ऊपर कोई भी एक आपका घर के अंदर ढक्कन हो या कोई चीज़ हो साथ, उसको लेकर के एक ही तरह के पराठे बना सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से रखें, एक ही साइज़ के सभी पराठे बन के तैयार हो जाएंगे। तो कभी कोई घर में गेस्ट वगैरह आता है तो सर्व करते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह के पराठे। इसमें बहुत ही सुंदर लगते हैं। घर में खाते हैं जब, तो हमारे को एक साइज़ के बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही खा लेते हैं। पर कोई घर में कभी गेस्ट वगैरह आया है तो उस समय आप खिलाते हैं तो दिखने में अच्छे लगते हैं इस तरह के पराठे। जब तक हमने पराठा बेल के तैयार किया है, तवा भी साइड में गर्म हो गया है, भी इसके ऊपर ये पराठा डाल देते हैं। पराठा जिस समय इसके ऊपर डालते ही इसको नहीं चलाएं, क्योंकि पराठा जैसे जैसे सिकेगा इसके ऊपर का कलर चेंज होने लग जाएगा। हल्का हल्का इसके ऊपर का कलर है ना, चेंज होने लग जाता है। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आलू के पराठे अपन बनके भर के बनाते हैं, उसी तरह से ये पराठे भी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होते हैं। एक बार आप बना के ट्राई करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इस रायते के साथ में ये पराठा बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अभी हल्का हल्का इसके ऊपर का कलर चेंज होने लग गया है। अभी इस पराठे को हम पलट देंगे, इधर से ये सिक गया है। एक साइड में जब सिक जाता है तो दूसरे साइड में अपना आप दिखने लग जाता है। इसमें जो सभी चीज़ें डाली है, देखिए अलग दिख रही है, दिखने में भी अच्छी लग रही है। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। आप चाहे तो तेल भी लगा सकते हैं। आलू के पराठे क्या घी के साथ खाते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इधर भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं। घी तेल आप अपने पसंद के अनुसार इस पर लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप घी में बनाइए पराठा, तेल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं। ये हमने पराठा को भरवा नहीं बनाए हैं, फिर भी देखिए अच्छा फूल गया पराठा। ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है और खाने में काफ़ी लाइट रहते हैं। इस तरह का पराठा यदि बच्चों के टिफिन में वगैरह भी डाल देता हो तो उनके साथ में हमेशा सॉफ्ट रहते हैं, या ऑफिस जाने वाले अपने साथ में लेकर जाते हैं तो उनको भी सॉफ्ट ही रहेंगे पराठे, हार्ड नहीं होते। ठंडे होने के बाद भी अच्छे सॉफ्ट बने रहते हैं। अभी इधर से थोड़ा गए हैं पराठा, हल्का हल्का इसका कलर चेंज हुआ, लाइट ब्राउन दिखने लगा है। बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं आता, बहुत ज्यादा डार्क कलर का करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। सूजी और आलू का पराठा है इसलिए इसका कलर इसी तरह से आता है। ज्यादा डार्क करेंगे तो और भी खारा लगेगा थोड़ा। ये देख पा रहे हैं आप पराठे का हल्का कलर ब्राउन हो गया है, हल्का हल्का ब्राउन हुआ इसका पराठे का, और इधर से भी देखिए हल्का ब्राउन हो गया। ये कम घी तेल में भी ये पराठा अच्छा बन के तैयार हो जाता है। इस पराठे को हम निकाल देते हैं। इस तरह से हमारे सभी आलू के पराठे बन के तैयार हो गए हैं और ये पराठा और रायता दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। ये पराठे बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। इसने हमें कोई तरह का आटा का यूज नहीं किया, फिर ये पराठा देखे बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम खट्टा करते हैं तो बहुत ही मुलायम पराठा है, बहुत मुलायम पराठे बन के तैयार हुए। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए इतना ईजिली टूट रहा है। ये पराठा आप इस तरह से रायते के साथ खाएंगे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। इसका कॉम्बिनेशन रायते के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है। रायता भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है और पराठा भी बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ। आपको पराठा और रायता की रेसिपी कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।